हेलो एंड वेलकम बैक टू कार्ब्लॉग इंडिया। मैं हूं आपका होस्ट यथार्थ और आज हम बात करेंगे रिसेंटली लॉन्च्ड MG ZS EV फेसलिफ्ट की। वैसे तो ZS EV पहली बार इंडिया में जनवरी 2020 में लॉन्च हुई थी, बट अब इसको एक फेसलिफ्ट मिल गया है और अपने इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ZS EV में क्या कुछ नया है, क्या कुछ पहले से बेहतर है। बट इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए हमारे ऐसी वीडियो अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए। तो अगर हम बात करें एक्सटीरियर अपडेट्स की तो बाहर इसके एक्सटीरियर पे कुछ खास नया नहीं है, बट हाँ इसको जो ग्रिल है वो जरूर एक नई मिल गई है। पहले एक क्रोम स्टडेड ग्रिल मिलती थी, अब एक टोटली ब्लैंक्ड आउट ग्रिल मिल रही है यहाँ पे। यही नहीं, इसका जो चार्जिंग पॉइंट है उसकी पोजीशन भी थोड़ी बदल दी गई है ग्रिल पे। साथ ही में जो इसके हेडलाइट्स हैं वो एस्टर से आते हैं और इसका जो बम्पर है वो भी नया है। साइड प्रोफाइल में आपको नए 17 इंच के डुअल टोन अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं जो कि काफी स्टाइलिश लगते हैं। वहीं रियर एंड पे आपको नए टेल लाइट्स मिलते हैं और एक नया बम्पर मिलता है। यही नहीं, इसके कलर ऑप्शंस भी थोड़े चेंज कर दिए गए हैं। पहले के मुकाबले अब आपको कुछ नए कलर ऑप्शंस मिलते हैं एंड टोटल आपको 4 पेंट ऑप्शंस मिल रहे हैं जो कि हैं रेड, व्हाइट, सिल्वर एंड ग्रे। तो दोस्तों एक्सटीरियर में यही चेंज थे, बट इंटीरियर में काफी कुछ नया है। डैशबोर्ड फॉर एग्जाम्पल एक नया मिल गया है इस गाड़ी को। इसमें आपको एक सॉफ्ट टच टॉप मिलता है डैशबोर्ड का, जो कि काफी आपका जो प्रीमियमनेस क्वेश्चन होता है वो बढ़ा देता है। यही नहीं, इसका जो टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट यूनिट है वो भी चेंज हो गया है। आपको एक 10.1 इंच का इंफोटेनमेंट यूनिट मिल रहा है और आपको एक पैनोरामिक इलेक्ट्रिक सनरूफ मिल जाती है, इलेक्ट्रिक सीट्स मिल जाती हैं। तो फीचर्स आपको बहुत मिल रहे हैं इस गाड़ी में, जिसमें आपको काफी सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं जैसे कि 6 एयरबैग्स, ABS विद EBD, हिल डिसेंट कंट्रोल एंड ट्रैक्शन कंट्रोल। बट हाँ, एस्टर में जहां आपको लेवल 2 ADAS फीचर्स मिलते हैं वही ZS EV में आपको अभी भी नहीं मिल रहे, इन स्पाइट ऑफ द रीसेंट अपडेट्स दैट दिस कार हैज गॉट। बट एक एडिशन है और वो है 360 डिग्री कैमरा विद रियर पार्क असिस्ट का, विच आई बिलीव विल मेक लाइफ इजियर फॉर पीपल हु हैव टू पार्क देयर व्हीकल इन क्राउडेड स्पेसेस। फाइनली अगर हम बात करें स्पेसिफिकेशंस की तो यहाँ पे दो बड़े चेंजेस हुए हैं। पहला ये कि इसकी पावर जो है बढ़ गई है, पहले 143 PS की होती थी, अब 176 PS की हो गई है। और दूसरा जो बड़ा चेंज है वो ये है कि इसका जो बैटरी पैक है वो भी नया हो गया है। ऑलरेडी ZS EV जो थी अपने सेगमेंट की सबसे ज्यादा रेंज देने वाली इलेक्ट्रिक कार थी, नेक्सॉन EV से ज्यादा इसकी ड्राइविंग रेंज रही है, कोना इलेक्ट्रिक से रही है। और पहले आपको जो 419 किलोमीटर की क्लेम रेंज मिलती थी वही अब आपको 460 किलोमीटर से भी ज्यादा की रेंज मिलने लगी है। और ये क्लेम्ड रेंज है, बट इवन इन रियल वर्ल्ड सिनेरियो बहुत ही आराम से आप इस गाड़ी को शायद 400 से 420 किलोमीटर तक चला सकते हैं ऑन अ फुल चार्ज। और ये गाड़ी 0-100 की स्पीड सिर्फ 8.5 सेकंड में पकड़ सकती है एंड दो वेरिएंट्स में अवेलेबल है ये, एक है एक्साइट और एक है एक्सक्लूसिव। तो एक्साइट जो है उसकी कीमत है लगभग 22 लाख रुपए, इसकी अवेलेबिलिटी जुलाई 2022 से होगी। वहीं जो इसका फुली लोडेड एक्सक्लूसिव वेरिएंट है वो मिल रहा है आपको 25,88,000 रुपीज की कीमत पे एंड आज ही से अवेलेबल है ये गाड़ी। फिलहाल दोस्तों मेरे इस वीडियो में इतना ही है। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं एंड यही नहीं, अगर आप चाहते हैं इसी की तरह किसी और नई गाड़ी पे एक छोटा सा वीडियो करें तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। पूरी कोशिश करेंगे जल्द से जल्द वो वीडियो आपके सामने पेश करने की। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। मैं हूं आपका होस्ट यथार्थ, पूरी आशा फिर से मिलेंगे कार ब्लॉग इंडिया के यूट्यूब चैनल पर।